गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेवन्थ एक्सरसाइज 11.3 पेरीमीटर एंड एरिया करेंगे। ठीक है, सबसे पहला है फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विद फॉलोइंग रेडियस। ए फाइंड रेडियस कितना है 40। इसके लिए हमें पता है हमारे फॉर्मूला क्या है, 2πr। 2πr 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी, 22/7 इंटू आर कितना दिया 14, तो इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो निकल जाएगी। ठीक है, 88 सेंटीमीटर। तो इसके लिए आपको याद रखना है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल किसके बराबर होता है, 2πr। पाई की वैल्यू अगर दी हो तो 22/7 लिख लो, अगर नहीं दी तो अपनी मर्जी 3.14 या 22/7 दोनों में से एक जो भी है वो लिख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स गिवन दैट टेक पाई इक्वल 20। अब एरिया ऑफ सर्कल्स निकालना, तो एरिया ऑफ सर्कल्स के बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई हो गया 22/7, आर हो गया 14 स्क्वायर, दो बार इसको करेंगे तो मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरे में देखो क्या दिया है, डायमीटर। डायमीटर इज कॉल्ड 49, डायमीटर इज कॉल्ड 49 मीटर। अब क्या है कि यहाँ पे डायमीटर है, हमें रेडियस चाहिए, लेकिन डायमीटर क्या होता है, 1/2 ऑफ ये डायमीटर होता है इक्वल टू 2r, यहाँ आर होता है डायमीटर बाई 2, तो यहाँ हो गया 49/2 इक्वल 24.5। तो इसकी वैल्यू चेक करो, आपको क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल। तो सर्कमफेरेंस और एरिया निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए, 2πr और सर्कमफेरेंस के लिए और एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर। हम देखो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, इफ़ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल शीट इज 154 मीटर, तो वहीं से दिया हुआ 154 मीटर, फाइंड इट इज रेडियस, रेडियस निकालना है। हमें पता होता है सर्कमफेरेंस किसके बराबर है, 2πr, तो उनको इक्वेट करो, 2πr इज कॉल्ड 154 मीटर, r इज कॉल्ड 154/2π या मल्टीपल में तो डिवीजन में आ गए, r इज कॉल्ड 154 × 7/2 × 2 या 24.5 मीटर रेडियस निकाल। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द शीट, जब आपको एरिया रेडियस निकल गया तो आप एरिया निकाल सकते हो, एरिया किसके बराबर है, पाई आर स्क्वायर, 22/7 × r कितना निकला 24.5, को दो बार लिखो क्योंकि आर स्क्वायर है, तो इसका सोल्यूशन होता है फिर 1886.5 मीटर स्क्वायर। दैट्स द रेडियस एंड एरिया ऑफ सर्कुलर शीट आर 24.5 मीटर एंड 1886.5 मीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली।